अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम परतुलैन है। मैंने आज ही कविश प्रोडक्शन ज्वाइन किया है। मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मुझे किसी से पता चला कि भाई ये प्रोडक्शन हाउस हैगा, लिहाजा मैंने इनसे कांटेक्ट किया। इन्होंने मुझे कहा कि मोस्ट वेलकम, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, माजिद भाई भी खुद भी बहुत अच्छे हैं। बस ये कि अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये ज़्यादातर ज्वाइन करना ज़रूरी समझा कि मैं इसी प्रोडक्शन हाउस में रह के आगे बढ़ूँ। एक्टिंग कोर्स जो है देखने में बहुत आसान लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन जब हम करने के लिए जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। डायरेक्ट डिलीवरी होती है, शूट्स वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। मैं यहाँ पे आई हूँ तो इन्होंने मुझे दिया है एक्टिंग कोर्स, वो मैंने बाय किया है, तो उससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिली है कि मैं किस तरह से आगे बढ़ सकती हूँ। हम आपको खुश आमदेद कहना चाहेंगे। अगर आप लोगों में सुबह आना चाहें तो बहुत आसान तरीका है, आप ये वेबसाइट पे जाएं, टेलीफोन नंबर से कांटेक्ट करें, माजिद साहब से कांटेक्ट करें, आपको इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम करेंगे। थैंक यू। इसको ऐसे कर लें, मैं गुस्से में बात करूं, आप मुझे समझाने वाले अंदाज में बात करें, ठीक है? दैट्स इट, सही है सर? ठीक है, ओके सर, एक्शन। तमीना, तुम देख रही हो ये सब क्या हो रहा है घर में तमाशा? तुम्हें होश है? बेटी कब आ रही है घर और कब जा रही है और किन लोगों के साथ घूमती फिरती है, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? मैंने उसे 10 दफा समझाया है, टाइम से आया जाए तो मैं और तो पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समझती नहीं है। आप तहमल मिजाजी से काम है, ऐसा ऐसे समझ जाइए। देखो, मैं सारा दिन अपने काम में भी फंसा रहता हूँ, ठीक है? मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तुम्हें पता है मैं कब घर से जाता हूँ और कब घर में आता हूँ। औलाद घर में, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या नहीं मैंने तुम लोगों के लिए किया जिंदगी के अंदर? कपड़े से लेके अच्छा खिलाया पहनाया, इतना बड़ा घर लेकर दिया, जो मुंह से निकला वो पूरा किया, और तुम एक बच्ची को नहीं संभाल सकती हो, अपनी औलाद को? कल को अगर ये कुछ उल्टा सीधा करके आ गई तो मैं नाम बदनाम किसका होगा, तुम्हें कौन जानता है? आपकी औलाद है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप तमाम से काम नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, पढ़ी लिखी है, कॉलेज जाती है, ये नहीं कि घर में बैठी है। बस बहुत हो चुका, ये मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ। अगर मैंने आज के बाद इसके बारे में कोई कहीं से भी कोई बात सुनी तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा, ये ज़हन में रखना। आप ऐसा तो नहीं है, वो आपकी औलाद है, हो सकती है आपकी फर्मा बरदार बने आगे जाते। फर्मा बरदार? जिस तरह का माहौल चल रहा है ना घर के अंदर मेरे पीछे, ये फर्मा बाजार बनेगी। बेटी को संभालने का फर्ज होता है माँ का, जो माँ होती है वही बेटी होती है, ये जहन में रखना, ये हमारे बड़ों ने हमें समझाया है। तो आपने मुझ में ऐसी क्या खराबी देखी है? अगर आपकी बच्ची गलत चाहती चल रही तो आप ये समझ रहे हैं कि उसे मैंने ये राह दिखाई है? मैं कुछ भी नहीं जानता, जो मैंने कह दिया है, अब मुझे कहीं से इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। दैट्स इट, ओके ओके। अब आप सारी जिम्मेदारी आपकी है, वो क्या कर रही है क्या कर नहीं कर रही है वो आपकी जिम्मेदारी है, आप ही घर में भी देख लेते हैं, मैंने सब कुछ नहीं देख सकता। ओहो, मैं अपने बिजनेस को देखूं या घर में सारा दिन टाइम दूं? ठीक है, सही है, इलाके भी टाइम निकालना चाहिए फैमिली के लिए, नहीं कि आप मुसलसल बिजनेस पे ही रहे। कट।